व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो यार पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि यार हमने दो गाड़ियां चुराई थी। एक गाड़ी तो आइसक्रीम जैसी थी और एक हमने ट्रक चुराया था। क्योंकि वो इसका काम ना इस वीडियो में होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग देखना भी आगे क्या होता है और मैं बताऊंगा आगे की कहानी क्या सीन है। तो यहाँ पे ये लोग बातें कर रहे हैं और माइकल ने एक प्लानिंग भी करा और लेस्टर ने इसे बताया है कि फलानी जगह पे हमें सबसे पहले वहां पे जाना पड़ेगा, इसने भी बताया। लेकिन अभी पूरी तरह इसने ना हमें कोई भी हमें आइडिया नहीं बताया कि तुम लोगों को करना क्या है आगे और नहीं करना है। तो इसने बताया तुम लोग वहां पे पहुंचो और वहां पे जाके तुम लोगों को मैं कॉल पे सब कुछ बताऊंगा। और अभी इसने प्लान हमें कुछ भी नहीं बताया। और जो ये लड़की देख रहे हो ना भाई साहब, जो साइड पे बैठी हुई है, ये हैकिंग है और ये सारा सिस्टम वहां का संभालेगी, हमें ट्रेस भी करेगी, हमें काम सारा जो भी है ना वो भी हमें बताएगी। और ये काफी लड़की कंप्यूटर वगैरह का भी काम जानती है, ये हमें ट्रेसिंग वगैरह भी बताएंगे कैसे कैसे काम करना है आगे। तो इसके जो अलार्म सिस्टम है वो सब हैकिंग वगैरह यही चीज करेगी, हमें बताएगी कि भाई कहाँ कहाँ से कितना टाइम रह चुका है हम लोगों को रॉबरी में और कितने टाइम पे वहां पे निकलना है, ये सारा हमें बताएगी। तो मैं जल्दी से वहां पे चल दिए देता हूँ और जल्दी से हमें जो प्लानिंग है ना वो हमारी क्लियर अभी तक नहीं हुई, क्योंकि लेस्टर ने कहा है कि मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा, अभी तुम लोगों को मैं नहीं बताऊंगा। पता नहीं इसने क्यों नहीं अभी बताई और मेरे ख्याल से वो भूल जाएंगे। और हमारे साथ भाई साहब ये गुंडा भी हमारे साथ ही है, माइकल के साथ है। और हम जल्दी से वहां पे जा रहे हैं और माइकल भी हमारे साथ ही आएगा मेरे ख्याल से। और वो रही गाइस जो गाड़ी हमने चुराई थी आइसक्रीम वाले की, तकरीबन लगती है उसके जैसी है। तो जल्दी से हम उसके साथ चलेंगे और ये मैं गाड़ी चुरा के आने वाला हूँ। और दो बाकी जो बंदे हैं ना वो दूसरी गाड़ी में आएंगे मेरे ख्याल से। और मेरे साथ कौन आ रहा है भाई? तो मैं जल्दी से बैक कर लेता हूँ, वहां पे चले जाता हूँ, मैं गलत जा रहा हूँ मेरे ख्याल से। हाँ तो फिर से मैं दूसरी साइड पे जाऊंगा। और मैंने देखा था, और मेरे साथ फ्रैंकलिन आ रहा है भाई, फ्रैंकलिन मेरे साथ आ चुका है। और मैं जल्दी से अपने रास्ते की तरफ चलता हूँ, मुझे सबसे पहले उन लोगों के साथ साथ ही रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं वो तो लोग पीछे रह गए। मुझे जल्दी से उस रास्ते पे जाना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले वहीं पे जाना है भाई जहाँ पे हमें रेड करनी है। तो सबसे पहले हमें वहीं पे जाना पड़ेगा, बहुत ही अलर्ट होकर वहाँ पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने कैमरे वगैरह भी देखे थे। मैंने तुम लोगों को बताया था पिछली वीडियो में भाई, हमने जो भी कैमरे थे उसके शूट वगैरह भी लिए थे, हमने सब कुछ वही किया था। और वहाँ पे हम जाएंगे और आज भाई बहुत ही ज्यादा मजे आने वाला है भाई, मिलियनियर पे भाई आज हम रॉबरी करेंगे। मैं तो अमीर हो जाऊंगा भाई, फिर अच्छी सी बुगाटी खरीदेंगे, लंबरगिनी खरीदेंगे भाई, लंबर लगाएंगे अपना लंबर उसको अच्छा सा। तो भाई हम जल्दी से वहां पे चले जाते हैं, ज्यादा दूर नहीं है, तकरीबन पहुंच ही जाएंगे, बहुत ही बहुत तकरीबन पास आ चुके हैं उसके। तो जल्दी से भाई हम वहां पे जाते हैं। भाई इस गाड़ी की स्पीड भी अब वाह भी वाह काफी अच्छी है, तकरीबन दौड़ती सही है लेकिन इतनी भी कम नहीं है कि हम बच ना सके। तो पता नहीं अगला मिशन, हम अगला कह रहा हूँ कि इसी मिशन में हम दोपड़ी करके किस गाड़ी में भागेंगे भाई, हमें कुछ आइडिया नहीं है। अगर इस गाड़ी में भागे ना भाई तो आराम से पकड़े जाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ी पुलिस पीछे लगने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ी हम रॉबरी करने वाले हैं। काफी ज्वेलरी है भाई, काफी पैसा सोना, हम बहुत कुछ चुराने वाले हैं भाई, हम तो अमीर हो जाएंगे भाई, क्या ही बात है। हम तकरीबन पहुंच ही गए हैं वहां पे, आराम से लेफ्ट लूंगा, बिल्कुल सीधा जाना है मुझे, बिल्कुल सीधा। तो गाइस देखना आगे क्या होता है। और मैं तकरीबन यहाँ पे पहुंच ही चुका हूँ, और अगर ट्रक आ गया, मैंने ब्रेक लगा ली, थोड़ा सा आगे जाना है मुझे, यहाँ पे नहीं खड़ी करनी है। और भी गाड़ी भी खड़ी हुई है और मुझे यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है भाई हार्ट साइड से। माइकल तो गाड़ी लेकर निकल गया और मुझे यहाँ पे इसने फ्रैंकलिन को यहाँ पे भेज दिया। फ्रैंकलिन को क्या पता, अरे भाई तूने पिछला मिशन किया था, तू आता है ना तो इसे क्या पता क्या करना है। तो अभी भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है भाई लेस्टर का बच्चा हमें, फिर से वो कुत्ता मैना जो है ना पीछे से बता रहा है कि यहाँ यहाँ से जाओ। तो भाई पहले माइकल को भेज देते भाई, इसे तो सारे रास्तों का पता था, वो इजीली यहाँ पे हो जाना मिशन अपना पूरा कर लेता भाई, इसे तो कुछ भी नहीं पता कहाँ पे जाना। तो खैर हम जल्दी से ऊपर चलते हैं और मेरे ख्याल से वही जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ पे माइकल ने जाके वो तस्वीरें वगैरह ली थी। और वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कुछ आइडिया नहीं है भाई, वो हमें रास्ते में बताएगा माइकल, माइकल नहीं लेस्टर में बताएगा। और ये देख रहा है मुझे कहाँ पे जाना है, वो बता भी रहा है लेस्टर, लेकिन इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यार इसको पता ही नहीं है करना क्या है। तो वो बता भी रहा है इंस्ट्रक्शन, लेकिन नया है ना तो इसे नहीं पता ये कौन सी जगह है, थोड़ी जाँच रहा था।
और फिर भी सामने, अरे भाई पीछे जाना है वो बता भी रहा है कि उस साइड पे जाओ, तो मैं पीछे की तरफ चला जाता हूँ और ध्यान से नीचे ना गिर जाना यार। और मैं चलता हूँ भाई अपनी जल्दी से भी चलान लगाऊंगा यहाँ से। हाँ यहीं से गया था माइकल भी, मुझे तो याद है लेकिन फ्रैंकलिन को तो नहीं याद ना भाई। तो जल्दी से इस पे भी फलांग लेता हूँ मैं, जल्दी से वहां पे जाता हूँ और इसे से भी फलांगूंगा मैं। हाँ तो वो सीढ़ियों से ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, वो सीढ़ी है नीचे, तो पिछली बार मैं वहीं से गया तो वहीं पे जाऊंगा। अरे फ्रैंकलिन, अबे कट्टे कहाँ पे जा रहा है, वो नीचे जाना है। हाँ, बैग जा बैग जा। अबे ऊपर नहीं जाना, माइकल ने भी यही गलती की थी, ऊपर नहीं जाना, नीचे आ भाई। इधर टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन तू क्या बंदा यार, जल्दी का टाइम नहीं है, वो भोंक रहा है पीछे बैठ के। चल चल चल, चल। हाँ यही है वो जगह, हाँ हाँ यही है यही है यही है माइक। हाँ तो फ्रैंकलिन को याद आ रहा है कि यार जो तस्वीरें मैंने वहां पे देखी थी यही है। अरे हाँ भाई यही है वो तस्वीरें, वो ऊंची जगह पे जा, वहां पे खड़ा हो, लेसन इंस्ट्रक्शन भी दे रहा। क्या बंदा यार, तुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही, क्या करता, बदमाश ही रहेगा तू, कुछ समझी ना किसी की बात को। चल ऊपर चल जल्दी से यहाँ पे, और यहाँ पे खड़ा होके वो सामने वाला मुझे, हाँ, लेस्टर के फिर मुझे इंस्ट्रक्शन दे रहा है, मुझे लेस्टर कह रहा है कि वहां पे भाई अपनी जो गैस है ना वो वहां पे फेंकनी पड़ेगी। तो गैसोलीन इसने दी है, पता नहीं वो स्मोकिंग है किस तरह का काम है, तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो यार क्या। तो उस पर मुझे फेंकना पड़ेगा ऊपर, जो ज्वेलरी शॉप है ना भाई, ऊपर वाले रास्ते से हमें फेंकनी पड़ेगी, ये धुआं पता नहीं क्या होगा। तो मैंने ये फेंका, ओ पहली शॉट तो मिस हो गई भाई, पहला तो नहीं गया। खैर हमारे पास ये तीन से कम चार होंगी, मैंने वेस्ट कर दिए ना भाई, तो काम खराब हो जाएगा, मिशन फेल हो जाएगा भाई हमारा। तो दूसरा निशाना तो भाई मैं कभी भी मिस नहीं करूंगा। और यस यस कम ऑन, और ये लग गया भाई। चल 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 चल, जल्दी जल्दी नीचे चल और वहां पे जा, नहीं जाना ऊपर से देखेगा। ओ माय गॉड, ओ भाई, अरे ये तो नीचे वो गैस से और लीन है भाई। ओ भाई धुआं फैल गया एकदम से, ओ बेहोश 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 बेहोश, ओ भाई, अरे ये सारे तो बेहोश हो गए एकदम से। ओ भाई क्या बात है भाई, अभी हम सब लूटेंगे खजाना, जल्दी से खजाना ढूंढ लेते हो भाई, ज्वेलरी की शॉप भाई, इतना ज्यादा माल हम लूटेंगे ना आज, वो भाई कमाल ही कर देंगे। हमने मुंह भी ढका हुआ है, हमने गैसोलीन भी मुंह पे डाली हुई है, क्योंकि इनकी तरह हम नहीं चाहते कि हम भी बेहोश हो जाए भाई, हम तो लूटने आए हैं। काफी अच्छी गन्स पकड़ रखी है भाई माइकल ने, जल्दी से यार जो भी कुछ भी है ना सब कुछ हम लूट लेंगे। अच्छा भी इसका सीन क्या हुआ था भाई, इसका सीन ये हुआ था कि ये नीचे लूटने के लिए पड़ा हुआ था, और जो फ्रैंकलिन था उसको इसने इसलिए ऊपर भेजा था, मुझे समझ लगी, इसलिए ऊपर भेजा था कि भाई तो गैसोलीन फेंकेगा और मैं जल्दी से नीचे लूट लूंगा, वरना वो नीचे आएगा तो टाइम तो काफी लग जाएगा। अभी लिमिटेड टाइम में हमारे पास 20 सेकंड रह चुके हैं, हमें जल्दी से सब कुछ चुराना पड़ेगा यहाँ से भाई, कहीं पुलिस ना आ जाए। तो जितना भी माल है ना भाई हमें सब चुराना पड़ेगा, अभी अभी तो काफी माल है भाई, मुझे राइट साइड पे जाना पड़ेगा, वो भी माल है मुझे वहां पे भी चुराना पड़ेगा। अभी पीछे 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 पीछे, जल्दी जल्दी जल्दी, लिमिटेड टाइम है भाई, वो लड़की बता भी रही है लिमिटेड टाइम है, जल्दी से, क्योंकि गैस का जो असर है इतनी जल्दी होगा, और जल्दी से हमें वापस ये भी लूटना पड़ेगा मुझे। अरे भाई साहब इतना माल के मैं अमीर हो जाऊंगा भाई, मुझे तो खुद पे यकीन नहीं हो रहा भाई। कैसे यस, ये भी तोड़ तोड़ तो सब कुछ लूटेंगे, सब कुछ लूटेंगे यहाँ पे रहन चुप, सब कुछ लूटेंगे, किसी को भी नहीं छोड़ना। जल्दी से भाई चला जाता हूँ मैं, भाई गार्ड पूछ रहा है, अभी गार्ड को ही हमने अपने साथ मिलाया हुआ था, लेकिन गार्ड को कुछ भी नहीं पता मेरे ख्याल से कि हम अंदर से क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। और भाई गार्ड को पटक के मारा अभी से, अभी साले तू कहाँ पे। अभी फ्रैंक, ओ माइकल ने इसे फ्रैंकलिन को दे दिया, क्योंकि फ्रैंकलिन मेरे ख्याल से अच्छा राइडर है, और फ्रैंकलिन जो माइकल है वो कार में आएगा, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा, जल्दी से हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाइक पे हम राइड कर रहे हैं, काफी स्पीड से यहाँ पे जाना पड़ेगा। ओ भाई फुल स्टार हो चुके हैं भाई, 4 स्टार हो चुके हैं, हेलीकॉप्टर कार वगैरह हर किस्म की जो है हमारे पास, पुलिस कंस्ट्रक्शन जो भी है ना, पुलिस कस्टडी भी आ गए ना भाई, तो हम बहुत ही ज्यादा पीटेंगे भाई, लाल कर देंगे मार मार के भाई। तो हम जल्दी से जितनी भी कोशिश हो रही है हम वहां पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम जल्दी से जल्दी, उम्मीद है कि मैं बच जाऊंगा यार, अगर पकड़ दिया ना भाई सीधी फांसी होगी। जितनी बड़ी हम लोगों ने रेड की है ना भाई, तुम लोगों को मैं बता नहीं सकता कि भाई इतना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा ना मैं, क्या ही बात है। लेकिन इसके बाद भी हम डगेटी, ओ भाई अंडरग्राउंड रास्ता, ओ भाई ये कौन सा रास्ता है भाई, कौन सा मंदिर बन रहा है नीचे, कौन सा खुफिया रास्ता ढूंढा है इन लोगों ने भाई। ओ भाई नाले नालों में से जा रहे हैं भाई, वो पीछे रास्ता लगा था
राजा महाराजा का दौर है भाई, इस तरह टनल में से हम जा रहे हैं। टनल भाई मैंने कभी देखे नहीं है, मैं काफी बार इस जगह पे आ चुका हूँ लेकिन यार मैंने टनल्स नहीं देखे ये वाले, ये कुछ अलग ही नए टनल्स है यार। पता नहीं काफी पुराने हैं लेकिन मेरे लिए तो नए, मैंने कभी देखे नहीं। पता नहीं कहाँ कहाँ पे रास्ते जा रहे हो, नीचे कुछ जमीन में कोई काम हो रहा है भाई, काफी बढ़िया। और देखो रेलवे लाइन की पटरी भी है भाई नीचे, ओ माय गॉड भाई इतनी ज्यादा भी नीचे काम भी चल रहा है, मैं कुछ पता ही नहीं। मैं काफी रोज यहाँ से गुजरता हूँ भाई, हमें तो कुछ पता नहीं चलता। और GTA 5 भी अभी कुछ पता नहीं चलता क्या क्या हो जाता है यहाँ पे। और मैं बहुत स्पीड से जितनी भी मेरी हिम्मत है भाई, जितनी को राइड आती है मैं वहाँ पे चला रहे, गद्दे डाले से होके इतनी बदबू आ रही है यहाँ से, मैं क्या बताऊँ तुम लोगों को यार। जल्दी से यहाँ जाना पड़ेगा, इतने रास्ते के भाई यहाँ पे मैं खो गया ना भाई, इन लोगों को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए भाई इन लोगों के साथ साथ भाई कदम पे कदम मिला के हम साथ जा रहे हैं। और भाई यहाँ पे बाहर कहाँ से निकलना भाई, इतना लंबा रास्ता है भाई। अभी तो पुलिस अभी भी पीछे है भाई, पुलिस ने हम लोगों का साथ अभी भी नहीं छोड़ा। हमारे सारे जीए मरेंगे मुझे लग रहा है ये लोग, और जल्दी से हम पीछे का पीछा करेंगे भाई। यहाँ से निकलना कहाँ पे है, सारी जिंदगी यहाँ पे ही रहना है। अरे भाई कहीं बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया ना भाई, तो बहुत बुरा होगा यार। तो क्या करना है मुझे जल्दी से, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे निकलने की। और भाई यहाँ पे बाहर आने वाला हूँ मैं, पता नहीं बाहर का रास्ता भाई, इतना मैं तो थक गया भाई बाइक चला चला के, कहाँ पे बाहर निकलना। ओ भाई रास्ता निकल गया, ओ भाई भाई, ओ भाई मैं कहाँ पे गया। ओहो तो हम ट्रक बन चुके हैं अभी, हम माइकल बन चुके हैं भाई, फ्रैंकलिन तो वो, ओहो, अच्छा फ्रैंकलिन पीछे रह गया, हम अब माइकल बन चुके हैं। इस ट्रक का क्या काम था, ओ भाई मुझे समझ लगी इस ट्रक का क्या काम था, इस गाड़ी को पटक के मारना पड़ेगा भाई। ओ हाँ, मुझे समझ लग गई भाई, समझ लग गई मुझे, इस गाड़ी को जो पुलिस की गाड़ी है इसे ट्रक से पटक के मारना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी लोडेड, काफी अच्छी, काफी भारी गाड़ी है भाई। और ये इसको हमने सैड कराई, और भाई पीछे की तरफ हो चुका भाई, आगे एक और गाड़ी है इसको भी सैड कराया भाई। तो जल्दी से इसको हम इसके पीछे पीछे इनकी, अच्छा तो हम हिफाजत कर रहे हैं भाई इन लोगों की। तो जल्दी से हम इसके, और एक और गाड़ी आ गई भी, इसको भी मैंने पटका, और ये साइड पे हो चुकी भाई। इसके पीछे पीछे रहना पड़ेगा बाइकरों के साथ, इन मोटरसाइकिलों के साथ साथ हमें रहना पड़ेगा। इन लोगों की अगर गाड़ी ने पीछे से कोई फायर मार दिया, इसको टक्कर मार दी ना भाई, तो हमारा काम खराब हो जाएगा, वो हमें गिरफ्तार करके हमें फांसी भी दे सकते हैं भाई। तो अभी पुलिस है ना, जो सीन पुलिस का खत्म हो चुका है, वो पुलिस भी मर चुकी है जिसको हमने टक्करें मारी थी। यार कितनी घटिया पुलिस है यार, दो टक्करें मरी है और भाई जान छोड़ दी उन लोगों ने। तो खैर भाई यहाँ पे आ चुका हूँ, यहाँ पे क्या सीन होने वाला है भाई, अभी शाम भी होगी अभी आते आते। तो अभी जो है ना जितने भी भाई को हम सभी अंदर कर रहे हैं, ओ भाई ये तो सीन मुझे पता ही नहीं था आगे क्या सीन होगा भाई। अच्छा तो इसलिए भी दो दो तरीके, एक ट्रक से दो दो तरीके यार, वाह दो दो काम लिए जा रहे हैं भाई। वो बाइक को हमने इसके अंदर कर दिया, जितने भी हमारे साथ लटेरे थे सबको हमने अंदर कर दिया। अली बाबा 40 फ्लोर वाला सीन हो चुका है ये तो। इसको हमने जल्दी से अंदर बिठा दिया और हम जल्दी से अपने रास्ते की तरफ चलते हैं। अभी गाड़ी काफी भारी हो चुकी है क्योंकि इसके अंदर बाइकें भी हैं और सोना भी है भाई, उसका भी तो वजन होता है ना। तो उसका भी काफी ज्यादा वजन है, तो भाई इसकी वजह से ट्रक है ना आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है, क्योंकि सही तरह से चल भी नहीं रहा है यार। इसकी ब्रेकें भी काफी ज्यादा लूज है, सही तरह से लगते भी नहीं है। अभी यहाँ पे ब्रेक लगाओ ना, लाहौर से ब्रेक लगाओ तो कराची जाके ब्रेक लगती है अभी इसकी। तो जल्दी से मैं जा रहा हूँ भाई अपने रास्ते की तरफ, और कोशिश करूंगा मैं जल्दी से जाऊँ क्योंकि रास्ता ये भी तकरीबन पास ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है। तो तब तक के लिए आप लोग भाई लाइक करो वीडियो को यार, पता नहीं तुम लोग मेरी वीडियो को पसंद क्यों नहीं करते यार, लाइक क्यों नहीं करते, शेयर क्यों नहीं करते यार। तो कभी भी कमी नजर आए तुम लोगों को मेरी वीडियो में तो मुझे बताया करो यार, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ यार आप लोगों के लिए, यकीन करो बहुत ज्यादा। अभी भी रात के 3 बज रहे हैं तब तक मैं शूटिंग कर रहा हूँ भाई, अपनी वीडियो की शूट कर रहा हूँ, वीडियो को रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ ठीक है। तो हाँ, तो मैम यहाँ पे आ चुके हैं भाई, तो सक्सेसफुल हो चुका है। तो जल्दी से पर्दा नीचे कर देते, भी किसी को पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे आया है, बहुत ही सेफ्टी यहाँ पे आ चुका है। और लेसर भी हमें यहाँ पे मिल चुका है भाई, तो ये बता रहा है कि भाई हमारा जो प्लान है ना भाई वो सक्सेसफुल हो चुका है, तुम लोग अमीर होने वाले हो जल्दी से। तो अभी कह रहा है कि भाई अभी भी कोई पता नहीं है, पुलिस चक्कर लगा रही होगी, अभी उन लोगों ने पकड़ लिया ना भाई तो काम खराब हो जाएगा, तुम लोग यहाँ से निकल पड़ो ठीक है। तो अभी जो फ्रैंकलिन वो कह रहा है कि यार मैं काफी थक चुका हूँ और अभी मुझे भी यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैंकलिन कह रहा है मेरा घर भी काफी दूर है, अगर मैं यहाँ से गया ना पैदल तो मुझे देख लेंगे। अभी तो पुलिस वाला को ध्यान नहीं, मुझे जल्दी से अभी रात कहीं और गुजारेगा, अभी रात कहीं और गुजारेगा ताकि वो पुलिस वाले पहचान ना सके ठीक है। तो सारी रात जो है ना, जो फ्रैंकलिन है भाई, फ्रैंकलिन
तो फ्रैंकलिन ने अभी पार्टी की है वहाँ पे, क्योंकि उसे पता है कि मैं अमीर हो गया हूँ भाई, अभी तो पार्टी चल रही है भाई। तो फ्रैंकलिन ने सारी रात है ना जो क्लब में गुजारी है सारी रात, क्योंकि अभी वो दिन में गुजरता ना या रात में या शाम को बाहर निकलता तो पुलिस वुलिस को पहचान लेते, और इसी वजह से ये भाई पार्टी कर रहा था, पार्टी इसने की है सारी रात, इंजॉय किया इस बंदे ने। तो यार काफ़ी मज़ा आया मिशन में भाई साहब, मैं तो अमीर हो चुका हूँ। तो माइकल ने मुझे अपने कमरे में बताया, अभी तो माइकल ने बुलाया है हमें जल्दी से फ्रैंकलिन को कि हमारे साथ आओ जल्दी से, कुछ मीटिंग करनी है पैसों के हवाले से, अभी पैसे भी बांटने हैं भाई, काफ़ी हमने लूटा है तो बांटने का हक तो पूरा पूरा होना चाहिए ना भाई। तो अभी माइकल का भी मैसेज आ चुका है तो हम वहाँ पे जल्दी से जाएंगे, क्योंकि तो माइकल ने हमें इतला दे दी है कि भाई जल्दी से वहाँ पे आ चुका, ठीक है। तो इसी के साथ मैं तुम लोगों से लूँगा इजाज़त भाई, तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और मिलता हूँ अगली वीडियो में आप लोगों को। ओके, तो तब तक के लिए टाटा बाय।